and welcome to my youtube channel maths with name and in this video we will discuss with you the question number 1 to 3 of exercise 2.5 for class 9 so let's check this video in this video that means the in this exercise we are learn about the some algebraic identities like that the the first one is, is x plus y ka whole square that means the x square plus ka 2 x y plus y square right and the second one is the x minus y ka whole square that is the x square minus ka 2x y plus ka y square the third one is x square minus y square equal to x plus y and x minus y the fourth one is x plus a that into x plus b equal to x square plus ka a plus b into x plus ab identity number 5 is x plus प्लस वाई प्लस जैड का होल स्क्वायर इक्वल इक्न टू द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जैड स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का टू वाई जैड एंड प्लस का टू जेड एक्स एंड इज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू द एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का थ्री एक्स वाई इन टू एक्स प्लस वाई And the seventh one is x minus y k whole cube equal to the x cube minus ka y cube minus k 3 x y into x minus y. And the last one is the identity number 8 is x cube plus ka y cube plus ka z cube minus k 3 x y z is equivalent to the x plus y plus z into x square plus ka y square plus ka z square minus ka xy minus ka yz and minus z x. Now let's check the question number one. The question number one is use the table identities to find the following product. यानी कि आपको कुछ यहाँ पे product दे रखे हैं और identity का use करके आपको क्या करना है? इनके product find out करने हैं. So let's check the first part. There is the x plus four into x plus ten, right? And देखो हम कौन सी identity यहाँ पे use करेंगे? Using अभी हमने पढ़ी थी x plus a into x plus b equivalent to the एक्सक्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी राइट तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे देखो यहाँ पर x और x सिमिलर आपको दिखाई दे रहे हैं a एंड b आ गए एंड टेन राइट तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी यानी कि फोर प्लस टेन इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ फोर एंड टेन दैट मीन्स ए बी तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर फोर्ट एंड फोर्टीन एक्स प्लस का फोर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस पार्ट नाउ लेट चेक द सेकंड ऑल्सो इक्वेल्टू दिस एक्स प्लस एट एंड एक्स माइनस टेन आप देखो बस बी की जगह माइनस यहाँ पे पुट करना है ठीक है यूजिंग हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी टू एक्स प्लस का ए बी बस यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारा बी होगा वो माइनस में आएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एट माइनस टेन इंटू एक्स प्लस का एट इंटू माइनस का टेन ठीक है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना बचा माइनस का टू एक्स एंड प्लस माइनस माइनस एटीन दिस इज आंसर नाउ लस्ट चेक थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट इज थ्री एक्स प्लस फोर एंड थ्री एक्स माइनस फाइव अब देखो यहाँ पे सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है हमारा पहले एक्स होता था तो दोनों एक्स है बट इसमें एक्स की ज़्यादा थ्री एक्स भी है, है ना और ए हो गया हमारा फोर और बी हो गया माइनस का फाइव तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी ठीक है याद रखेंगे एक्स की जगह थ्री एक्स रखना है एक की जगह फोर रखना है और बी की जगह माइनस का फाइव कोट करना है ठीक है तो कितना हो जाएगा देखो थ्री एक्स का होल स्क्वायर राइट right? प्लस ए दैट मीन्स फोर एंड बी इक्वल टू माइनस फाइव इंटू एक्स दैट मीन्स थ्री एक्स ठीक है और ए इंटू बी यानी कि फोर इंटू माइनस फाइव अब देखो सॉल्व करेंगे थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन का एक्स स्क्वायर फोर में से फाइव जाएगा माइनस का वन और ये थ्री एक्स ऑलरेडी है तो थ्री एक्स हो जाएगा एंड फाइव फोर ज कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी दिस इज आंसर एंड सिमिलरली वी कैन चेक दिस वाई स्क्वायर प्लस का थ्री अपॉइंट टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस का थ्री अपॉइंट टू अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों ही है बट एक प्लस में और एक माइनस में तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी थी है ना क्या होती थी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई ठीक है तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते हैं दोनों एक्स और वाई हमारे दोनों ही इक्वेलेंट है तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर के यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर यानी कि वाई की पावर फोर माइनस का नाइन अपॉन फोर इज द आंसर

इक्वल डन टू द एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ठीक है यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का स्क्वायर करके दोनों का डिफ्रेंस ले लेंगे दैट मीन्स थ्री का स्क्वायर माइनस का टू एक्स का होल स्क्वायर थ्री का स्क्वायर दैट मीन्स नाइन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इज द आंसर नाउलेस चेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड द क्वेश्चन नंबर सेवेकेंड इज इवेलुएट द फोलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली यानी कि आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं कुछ नंबर्स दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं बट विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आपको फाइंड आउट करना है तो हम कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको फाइंड आउट कर सकते हैं तो चेक करते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना होगा नंबर्स को ब्रेक करना होगा आप ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं या तो प्लस माइनस हो सकता है ना और ऐसे नंबर को ब्रेक करेंगे जिसका हमें स्क्वायरिंग बहुत ईजिली हम उसका फाइंड आउट कर सकें और याद रखिए कि Uh, हो सके तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी दोनों में कॉमन आए ठीक है देखो यहाँ पे है 103 हंड्रेड थ्री एंड है 107 तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 हंड्रेड प्लस थ्री एंड 100 हंड्रेड प्लस सेवन ठीक है अब देखो हमारी फर्स्ट टर्म एक जैसी आ गई और सेकेंड टर्म जो है वो अलग अलग है तो हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं इसमें यूजिंग कर सकते हैं हम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक टू द एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी है ना इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें देखो सिंपल दिखाई दे रही है आपको तो देखो कितना करेंगे हम x की जगह हो गया हंड्रेड यानी कि हंड्रेड का स्क्वायर राइट ए प्लस बी यानी कि थ्री प्लस सेवन हो जाएगा ठीक है इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे हंड्रेड हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पे ए बी करना है तो ए कितना हो जाएगा हमारा थ्री एंड बी कितना हो जाएगा सेवन तो हंड्रेड का स्क्वायर दैट मींस कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड थ्री और सेवन कितना हो जाएगा टेन 10 और हंड्रेड की करेंगे थाउजेंड और ये कितना हो ट्वेंटी वन ठीक है अब इन सबको एड करेंगे तो कितना हो जाएगा एलेवन थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन दिस इज अवर आंसर ठीक है लेट्स चेक द नाइन्टी फाइव इंटू द नाइन्टी और देखो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको भी सिंपली लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस फाइव लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस फोर लिख सकते हैं है ना सिंपल आ रहा है और सेम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं इसमें भी तो देखो क्या आइडेंटिटी रहेगी ए की जगह हमें क्या रखना है एक्स की जगह हमारा हंड्रेड हो जाएगा ए की जगह माइनस फाइव एंड बी की जगह माइनस फोर ठीक है तो चेक करते हैं कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस प्लस आता है ए कितना है माइनस है और बी कितना है माइनस का फोर इंटू होता है हमारा एक्स राइट अब सेकेंड क्या होता है हमारा प्लस ए इंटू यानी कि माइनस एंड माइनस फोर ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हंड्रेड का यानी कि हो जाएगा टेन थाउजेंड राइट माइनस फोर माइनस कितना हो जाएगा माइनस का नाइन हो जाएगा इंटू हंड्रेड आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस फाइव ट्वेंटी ठीक है अब कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड माइनस का नाइन हंड्रेड प्लस का ट्वेंटी आप देखो सबसे पहले क्या करना है टेन थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड माइनस कर लेते हैं और टेन ट्वेंटी को ऐड कर लेंगे तो टेन थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड जाएगा तो कितना बचेगा? नाइन वन डबल जीरो एंड प्लस का ट्वेंटी यानी कि नाइन वन टू जीरो इज द आंसर राइट सिमिलरली हम क्या करेंगे देखो थर्ड को भी चेक करेंगे और थर्ड हमारा क्या रहेगा वन हंड्रेड फोर इंटू सिक्स ठीक है इसमें भी सेम करेंगे इसमें हमारा प्रोसेस क्या रहेगा हंड्रेड प्लस फोर एंड हंड्रेड माइनस फोर ठीक है एक प्लस एक माइनस में आ रहा है तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी दोनों फर्स्ट और सेकेंड टर्म सेम है तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वेल टू द एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ठीक है दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर माइनस का फोर का स्क्वायर देखो हंड्रेड का स्क्वायर कितना होता है हमारा टेन थाउजेंड यानी कि वन फोर टाइम जीरो माइनस का फोर का होता है सिक्सटीन अब देखो सिक्सटीन माइनस करेंगे तो कितना आएगा टेन में से सिक्स जाएगा फोर आ जाएगा नाइन में से वन जाएगा एट आ जाएगा और बाकी हमारे कितने बचेंगे यहाँ पर नाइन एंड नाइन यानी कि दिस इज अवर आंसर नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यानी कि हमें यहाँ पे अब क्या करना है फैक्टराइज करना है और हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो सबसे पहले चेक करते हैं नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर अब देखिए इसमें हमें क्या करना होगा आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई ही करना होगा सबसे पहले तो पहचानना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है किस तरीके से देखो एक्स दिखाई दे रहा है ना यानी कि एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है एक्स वाई है तो हमारी इस टाइप की कौन सी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है है ना देखो अगर एक्स वाई के साथ प्लस आ रहा है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा अगर एक्स वाई के साथ जैसे कि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले चेक करते हैं हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पर एक्स प्लस आ, वाई का होल स्क्वायर है ना क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर होता है ठीक है अब देखो हमें ये जो पोर्शन है इस टाइप का पोर्शन देखना होगा और ये चेक करना होगा इसमें एक्स और वाई क्या क्या है ठीक है तो सबसे पहले इसको हम किसके इक्विवेलेंट लिख लेते हैं जैसे कि नाइन को भी होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब सेकंड भी पूरा स्क्वायर होता है ये ऑलरेडी वाई का स्क्वायर दे रखा है तो इसको, इसको स्क्वायर कर दिया अब जो बीच में मिडिल टर्म होती है वो होती है हमारी टू एक्स वाई अब इसको हमें टू एक्स वाई में करना है तो सबसे पहले टू हो जाएगा ठीक है एक्स क्या माना था मैंने थ्री एक्स तो थ्री एक्स लिख लेंगे और वाई माना था मैंने कितने यहाँ पर वाई है ऑलरेडी अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जो सिक्स है ना और एक्स वाई यानी कि कंप्लीट आ रहा है तो यहाँ पे एक्स की जगह जगह हमारा थ्री वाई थ्री एक्स और वाई की जगह ऑलरेडी वाई दे रखा है ठीक है तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ Now let's check the second part. The second part is also similar like that, but uh, we are using the second identity like that. The x minus y ka whole square equivalent to the x square minus ka 2xy plus ka y square. ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था भी minus दिखाई दे रहा है. बाकी में square है तो कौन सी identity का हम यहाँ पे use कर सकते हैं? Use हो सकती है हमारी x minus y ka whole square. क्या होती है identity? X square minus ka 2xy प्लस का वाई स्क्वायर अब देखो इस जैसे सिमिलर बना रहे हैं अभी जैसे हमने प्रीवियस में बनाया था हमने ना कितना हो जाएगा इसको लिख सकते हैं मैं मैं का का होल स्क्वायर स्क्वायर को लिख सकता ठीक है अब देखो हमें क्या करना है माइनस का टू एक्स वाई आना चाहिए तो टू हो जाएगा एक्स मैंने कितना लिया है टू वाई लिया है और वाई कितना लिया है वन मल्टीप्लाई करूंगा टू टू ज फोर और वाई यानी कि हमारा सिमिलर बैठ रही है तो यानी कि कितना हो जाएगा टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर दिस इज अवर आंसर नाउ लेट चेक द थर्ड पार्ट देयर इज द एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन हंड्रेड तो अब इसको सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिटी दिखाई दे रही है कि दो का स्क्वायर और बीच में माइनस है तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी इस इसी तरीके की क्या होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर सिमिलर दिखाई दे रही है ना किसके क्यूवेलेंट होती है एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई की वैलेंट होती है तो देखो इस जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे सबसे पहले तो स्क्वायर कर लेंगे फर्स्ट का तो स्क्वायर दे ही रखा है सेकंड में y का दे रखा है बट 100 का नहीं दे रखा है तो इसको भी कर लेते हैं यानी कि y अपॉन टेन का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या एक्स प्लस वाई अपॉन टेन का इन एंड एक्स माइनस वाई अपॉन टेन दिस इज अवर